फिनिश ऑफ किया जाए, वी आर डाउन टू आवर टॉप 5 टीम्स एंड प्लेयर्स भी यहां पर बहुत ज्यादा कम बच जाएंगे, बट वंस अगेन यहां पर जो सर्कल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, टीम लीड को सर्कल के अंदर यहां पर आना पड़ेगा एंड ई अरीना के पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है बिकॉज वो एक मात्र ऐसी टीम है जो कि सर्कल के अंदर भी है, उनके पास कंपाउंड भी है। SYZ एकदम एज पे यहाँ पे रहने वाले हैं, पर GPX क्या वो फाइट यहाँ पर किससे करेंगे सवाल वो उठता है, क्या वो डायरेक्टली कंपाउंड किए जाएंगे या एकदम एज टू एज SYZ के साथ उनका कंटेस्ट करना ज्यादा यहाँ पर उनके लिए लाभदायक होगा। देखना जरूर बनता है क्या लाभदायक होगा इनके लिए, बट आई थिंक द आउटकम यहाँ पे बात करें ऑलचाइन के बारे में, शॉट लेने की कोशिश करते हैं लेकिन किल्स नहीं निकाल पाएंगे, पहाड़ी की गोलियां पड़ी है लेकिन क्या वो रिटेलिएट करेंगे विंग्स इन द मीटम कमिंग इन। देखिए SYZ ये जो दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं पैट्रिक वो दोनों फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं GPX के साथ, बट देखिए हॉट शॉट के बाहर से जोन के आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ही कैन टू रोटेट करते लेट रोटेशन आई एम नॉट श्योर, लेकिन बाहर ही एलिमिनेट हो जाएगी। चार टीम्स 13 प्लेयर्स हमारे पास बचे हुए हैं, ये देखिए चार किल्स है उनके पास भी, सारे के सारे प्लेयर भी सर्वाइव कर रहे हैं बट बी टू कमिंग और उनको अकाउंट कर दिया जाएगा एंड यहां पे ट्रिपल किल निकालते हुए ऑलरेडी यहाँ बिल्कुल यहाँ पर ट्रिपल किल उन्होंने निकाल लिया। SYZ गेट्स एलिमिनेटेड, टीम लीड वंस अगेन टॉप 3 के अंदर यहाँ पर अपना एंट्री कर लिया उन्होंने, बट आइकॉनिक का जो क्रिएटर है वो जस्ट सिंह को यहाँ पर डाउन थ्रू किया गया था बट यहाँ पर किल चुरा लिया गया है कैम फॉर्म ई अरीना की तरफ से यहाँ पर अपने टीम के लिए किल्स निकालते हुए टीम लीड 4 किल्स उनके हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट मैप ऑफ फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप एंड टीम लीड के पास एक अच्छा चांस है कि ये लास्ट मैप के अंदर अपने लिए पूरा निकाल के जाए एंड आई फील लाइक ये चीज हो भी सकता है। ऑलरेडी इकलौते हुए बचाएंगे ई अरीना की तरफ से, GPX के लिए भी एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीत के जाए, किसी का भी ये गेम हो सकता है। मैच एडवांटेज यहाँ पे टीम एलीट पे, तीन टीम्स 6 प्लेयर्स RDP आइकॉनिक किलर यहाँ पे टीम एलीट के लिए बचे रहने वाले हैं, सारे कैटर एबिलिटीज आगे आ रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट हो चुके हैं एंड टीम एलीट आगे बढ़ रहे हैं फाइनली इन विन देमसेल्व्स अ बूय एंड यस दे डू द फाइनल मैप gets in the favor of team elite, they have done it but at what cost, the tournament's already over but a bahut hi acha map team elite ke dwara and they have made the entire nation proud, team elite blue hearts in the chat and RDP will be the MVP.